खबर भोपाल से, जहां कमलनाथ ने बंजारा समाज की बैठक ली। आपको बता दें, बैठक में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम कमलनाथ की बड़ी घोषणा बताई जा रही है, सरकार बनी तो बंजारा समाज को उनकी जमीन पर मालिकाना हक दिलाएंगे। बंजारा समाज को आरक्षण का हक भी मिलेगा, इसके लिए कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करेगी। बंजारा समाज के साथ अन्याय हुआ है, समाज ने मुंह चलाना नहीं सीखा, ये कमलनाथ कह रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं बड़ा छोटा समाज नहीं देखता। तो कमलनाथ ने बंजारा समाज के साथ बैठक ली, बैठक में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। कमलनाथ की बड़ी घोषणा बंजारा समाज को लेकर, उन्होंने कहा कि आरक्षण का हक भी मिले बंजारा समाज को, इसके लिए घोषणा पत्र कांग्रेस जारी करेगी। कांग्रेस का एक और दाव, बंजारा समाज को अपनी तरफ लाने के लिए बंजारा समाज को भी आरक्षण दिलाने की पैरवी कर रही है कांग्रेस। इसमें कमलनाथ ने कहा कि घोषणा पत्र में ये बात शामिल करेंगे। बंजारा समाज के साथ अन्याय हुआ है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हैं उस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए। बंजारा समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कांग्रेस का जो प्लान समझ में आ रहा है दुष्यंत, जिसमें वो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। सवाल ये कि ओबीसी को भी आरक्षण देना है आपको, बंजारा समाज को भी आरक्षण देना है, आरक्षण को लेकर ही पूरा विवाद लगातार चलता ही आ रहा है। अब दोबारा एक बात फिर उन्होंने आरक्षण की रखी है। अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ चलती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से कांग्रेस ये एकजुटता का संदेश तो दे ही रही है, दूसरी तरफ ये है कि अलग अलग समाजों को, अलग अलग समुदायों को जोड़ने का प्रयास है। तो जोड़ने के प्रयास के चलते ही ये बात कही जा रही है। कमलनाथ ने साफ तौर पर ये बात कही है कि अगर 2023 में उनकी सरकार बनती है तो बंजारा समाज को उनकी जमीनों का मालिकाना हक देंगे, उसके साथ ही जो आरक्षण उनका हक है उनको मिलना चाहिए वो घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। इसके साथ ही जो बंजारा समुदाय है, आज तक अपनी आवाज उठाकर सामने नहीं आया, लेकिन कम संख्या में होने के बावजूद भी बंजारा समाज का सरकार बनाने में बहुत अहम योगदान होता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अपना वचन पत्र जब जारी करेगी तो उसमें इस बात को भी रखेगी कि जब मालिकाना हक भी मिले और उनको आरक्षण का हक भी मिले। इस तरह का जो बयान है वो कमलनाथ देते हुए नजर आए। बिल्कुल दुष्यंत, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अब कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जब घोषणा पत्र जारी करेगी तो इस बात को भी घोषणा पत्र में शामिल करेगी, जहां वो बंजारा समाज को आरक्षण दिलाने की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंजारा समाज को आरक्षण का हक मिलना चाहिए।